to breathe, but that's alright. Hush. हेलो डियर, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही दिया होगा एंड इंट्रो से भी आपको पता ही चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो हमारा 5 बेस्ट फेस वॉशेस के ऊपर होने जा रहा है। सो हम ये एक टाइप को व्लॉग बनाने जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था हेयर केयर रूटीन पे। सो वो भी आपको यहाँ आई बटन में दिख ही जाएगा एंड ये भी एक टाइप का व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं ना आपको मार्केट में लेके चलूँगा एंड आपके लिए कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहेगा वहाँ से आप बाय कर सकते हैं एंड मैं भी अपने लिए बेस्ट फेस वॉश बाय करके लाऊंगा। एंड ये जो मैं इसमें जो भी फेस वॉश बताऊंगा वो मैंने खुद यूज़ की है एंड आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे बेस्ट रिजल्ट मिले। सो चलो बिना वक्त जाए कि चलते हैं मार्केट में। कल का वीडियो देखा एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं 5 आपको ऐसे फेस वॉश सजेस्ट करूँगा जो आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेंगे। एंड हम मार्केट भी चले थे एंड मार्केट से आने के बाद में लाइट्स ऐसे एकदम से ऑफ हो गई कि मैं कल वीडियो शूट नहीं कर सका। सो आज मैं ये वीडियो में आपको सब फेस वॉश के बारे में बताऊँगा एंड आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला जो आता है मेरे लाइफ का, जो सबसे पहला मीन्स लाइफ का नहीं, लाइफ का जो मेरा सेकंड फेस वॉश आपके लिए जो है ना सबसे पहला फेस वॉश आएगा वो है हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। अब ये जो फेस वॉश है वो ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। सो जो ड्राई स्किन वाले वो एक साइड बैठ जाओ, अभी ऑयली स्किन वालों की बात होती है एंड ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये बेस्ट है। मीन्स ये जो है आपकी ऑयल जो है वो कम्प्लीटली ड्राई कर देता है, मीन्स आपकी स्किन जो है फुल्ली ड्राई कर देता है। एंड बट गलत फहमी मत लेना कि ये पिंपल्स को ठीक करता है। अगर आपके चेहरे पे एकदम थोड़े बहुत पिंपल्स हैं या नहीं के बराबर अगर पिंपल्स है सो आपके लिए बेस्ट है, बट ये भी ओनली ऑयली स्किन वालों के लिए। सो हमारा जो सेकंड फेस वॉश आता है वो है एवरयूथ नेचुरल्स का लेमन एंड चेरी फेस वॉश। अब ये जो फेस वॉश है
वो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो केमिकल्स से दूर रहते हैं, मीन्स जिन्हें फुली केमिकल्स फ्री रहना है एंड नेचुरल तरीके से अपने फेस को ठीक करना है। सो ये जो फेस वॉश है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, मीन्स केमिकल फ्री है फुली। एंड जैसे कि पतंजलि के आपने फेस वॉश देखा होगा उसमें भी केमिकल्स नहीं रहते, उसी टाइप का ये भी फेस वॉश है। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बट इसके जो बेनिफिट्स है वो आपको कुछ टाइम लेट मिलेंगे। मीन्स मैंने इसको नियर अबाउट 1 से 1.5 साल मैंने इसको यूज़ किया था, तब जाके मुझे है ना इसके बेनिफिट्स जो इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो मेरे फेस पे मेरे को दिखना शुरू हुए। बिकॉज अब आपको पता ही है नेचुरल जो चीज़ें होती है वो थोड़ा लेट काम करती है। सो ये जो फेस वॉश है वो आपके लिए, अगर आपको फुली केमिकल फ्री अगर आपको रहना है सो आपके लिए ये फेस वॉश बेस्ट है। बट अगर आपके चेहरे पे, मैं आपको एक बार वापस बताऊंगा कि आपके चेहरे पे अगर ज़्यादा पिंपल्स है सो ये भी फेस वॉश आपके लिए नहीं है। एंड आपको ये भी फेस वॉश जो है वो ड्राई बनाता है, बट इसके साथ साथ इसमें जो एलोवेरा है वो आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। सो हिमालय के फेस वॉश से ये तो मैं मुझे बेस्ट लगा। सो अब आप बोलोगे पिंपल्स के लिए भाई कौन सा फेस वॉश है, सो मैं पिंपल्स के लिए आपको जो एकदम बेस्ट मीन्स बेस्ट में बेस्ट जहाँ ये दोनों फेस वॉश काम नहीं करते वहाँ ये फेस वॉश काम करता है, सो वो है हमारा गार्नियर मेंस का एक्नोफाइट फेस वॉश। अब गार्नियर मेंस का जो एक्नोफाइट जैसे उस पर लिखा हुआ है एक्नोफाइट फेस वॉश वैसे ही वो काम करता है। एंड अगर आपके चेहरे पे थोड़े बहुत ज़्यादा पिंपल्स है सो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने खुद इसको यूज़ किया है एंड मेरे चेहरे पे जब है ना ये पोर्शन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे ये यहाँ एंड यहाँ, सो तब मैंने ये इसको यूज़ किया था। एंड ये पिंपल्स को जो एकदम ड्राई कर देता है एंड उसको जड़ से ख़त्म करता है। एंड उसके जो सेकेंड बेनिफिट में आपको बताऊँगा ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, मीन्स एकदम ड्राई नहीं कर देता। उसके बाद में ड्राई होने के बाद में आप अगर इसको वॉश करते हैं अच्छे से तो इसको ये आपके स्किन को एकदम मॉइस्चराइज कर देता है, मीन्स उसके बाद में आपको कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये मेरे लाइफ का एकदम बेस्ट फेस वॉश है। एंड उसी के साथ साथ जो मेरा फोर्थ मीन्स है ना जो इससे भी बेस्ट फेस वॉश मैं आपको बताऊँगा जो नेचुरल भी है एंड ये सब में बेस्ट भी है, सो वो ओरिफ्लेम का लव नेचर्स का चेरी फेस वॉश। जो लव नेचर्स में आप 2-3 फ्लेवर्स आते हैं लाइक चेरी लेमन ऐसे टाइप में, सो मैंने चेरी फेस वॉश जो है वो खुद यूज़ किया है एंड उससे हमारे गाल जो है वो बिल्कुल जैसे उसका फ्लेवर है उसके वजह से हो जाए चेरी की वजह से एंड 100% ये नेचुरल है। एंड जैसे कि आप सो हमारा जो फिफ्थ आता है वो है हमारा बेंजोइल परऑक्साइड सोप। अब जहाँ फेस वॉश काम नहीं करते वहाँ उनका डैडी काम करता है, मीन्स बेंजोइल परऑक्साइड सोप। अब ये बेंजोइल परऑक्साइड सोप जो है वो हर एक कंपनी का अलग अलग नेम से आता है, जैसे कि मैनकाइंड का एक्निस्टर सोप है एंड ऐसी अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से सोप आता है, बट आपने ध्यान का देना बेंजोइल परऑक्साइड सोप होना चाहिए। एंड अगर आप कोई डॉक्टर से या मेडिकल स्टोर से अगर आप किससे पूछते हो कि है ना मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है एंड बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो डार्क स्पॉट्स से ख़राब हो गई है, सो आपको सबसे पहले वो फेस वॉश नहीं सजेस्ट करेगा, वो आपको सजेस्ट करेगा बेंजोइल परऑक्साइड सोप। सो ये जो सोप है ये मैंने खुद यूज़ किया था जब मुझे बहुत सारे पिंपल्स है, सो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी इसे यूज़ भी कैसे करना है आपको एकदम प्रॉपर वे में आपको अप्लाई करके आपको आपको इसको यूज़ करना है। एंड अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आपको बेनिफिशियल लगा सो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप अपनी दिल की अच्छी अच्छी बातें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मुझे इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं, आपको प्रोफाइल यहाँ दिखी थे। सो गोवा में याद रखें।